एंड गैस प्लांट में कभी काम किया है आपने क्या? हाँ, पावर प्लांट किया है मैंने, सीमेंट प्लांट किया है, ऑयल पंपिंग स्टेशन में काम किया है, टर्मिनल्स में। अच्छा, ये परमिट टू वर्क सिस्टम में काम किया है आपने? हाँ जी। क्या होता है उसमें? एक इशूअर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, सपोज हमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, सपोज मैं अगर सुपरवाइजर हूँ, जॉब सुपरवाइजर हूँ, तो मैं अपने कंसर्न इंजीनियर से उसको रेफर करवाऊंगा आगे, कंसर्न अथॉरिटी को, जो इशूइंग अथॉरिटी होगी उससे रेफर कराऊंगा कि ये एक्टिविटीज मुझे करनी है। तो परमिट का जो फॉर्मेट होगा, उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगे, बेसिक जो होगा वो फील्ड पे अवेलेबल होगा, जो साइट पे काम चलेगा। ओके, ये कंप्लीट वर्क परमिट प्रोसेस है, जिसमें हॉट वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, इसमें लोटो वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन वगैरह आता है, हाइट वर्क है तो हाइट वर्क का, कोल्ड वर्क है तो कोल्ड वर्क का, कंफाइंड स्पेस है तो उसके लिए, उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होते हैं, उनको फुलफिल करके हम परमिट के लिए आगे गो अहेड करते हैं। अच्छा, ये परमिट कितने टाइप के होते हैं? जनरल अगर कैटेगरी में बोला जाए तो कोल्ड एंड हॉट होता है, हॉट में ही कन्वर्ट होके हाइट पे, अगर हॉट वर्क है तो हाइट हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया तो कन्फाइंड स्पेस भी हॉट वर्क में ही आता है, ऐसे है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिक वर्क। कोल्ड वर्क का एग्जांपल दीजिए कुछ, जिसमें स्पार्क जनरेटर, जैसे आप सपोज कह रहे कंक्रीटिंग का काम हो रहा, आइस कंक्रीटिंग हो रहा, ये सब सारे कोल्ड वर्क के काम आएंगे। अच्छा, और कोई एग्जांपल? क्यूरिंग हो गया। सारे नॉर्मल जो वैक्सीनिंग वगैरह हो गई, अब जहाँ पे भी स्पार्क जनरेशन का चांसेस नहीं हो, मशीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, कोई सपोज पानी टैंक्स में भरने हैं, ये सब नॉर्मल कोल्ड वर्क हो गई। अच्छा, ये आपने बीच में जिक्र किया था लोटो सिस्टम का। हाँ, लोटो सिस्टम क्या है? वो पोटेंशियल एनर्जी को, जो हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी है, वो मे बी मैकेनिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, उसको आइसोलेट करने का या उसको कंट्रोल करने का एक सिस्टम है, जिसको बोलते हैं लॉकआउट टैग आउट। सपोज हमने, अच्छा ये जो अभी बोल रहे थे आप इंसुलेशन का, आइसोलेशन का, ये आइसोलेशन का कुछ किसी लाइन को या फिर किसी सिस्टम को आइसोलेट करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप है क्या? क्या है सर? उसको आइसोलेट करने के लिए कुछ स्टेप रहता है, स्टेप बताएंगे? स्टेप जैसे मैं प्रैक्टिकली बता सकता हूँ कैसे होते हैं। इमीडिएट जो सोर्स है वहाँ पे हम आइसोलेट करेंगे, चेक करेंगे। सपोज अगर वो रनिंग लाइन वगैरह है तो स्टीम पर्ज करेंगे, नाइट्रोजन पर्ज करेंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रिकल केस है तो एक पैनल को शट डाउन करके अगले में जाके हम सप्लाई वगैरह चेक करेंगे। मतलब हम बोलने से मेरी जो टीम रहेगी, सपोज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियंस है, इलेक्ट्रिकल का इन्वॉल्वमेंट है, तो इलेक्ट्रिशियंस को बुला के चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, जब एवरीथिंग ओके है देन हम पूरी प्रोसेस को आगे को काम बढ़ाएंगे। अदरवाइज काम के लिए हम कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएंगे, ये इशू है, आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे को काम बढ़ा जा सकता है। ओके, ये प्लांट के अंदर कुछ इमरजेंसी हो गया, फायर हो गया या गैस लीक हो गया, व्हाट यू विल डू? अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सायरन का सिस्टम है, या अगर मैं अगर ये कहूँ कि मैं एक ऑयल रिफाइनरी में काम कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सेटअप रिपेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी अलार्म बजाऊंगा, साथ ही साथ मैं अपने पीएम या अपने सुपीरियर जो भी होगा उनको मैं कॉल करूंगा। या अगर एक फायर का केस है तो ये सब प्रोसेस के साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि उसको कितना मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तब तो मैंने फायर टेंडर वगैरह को कॉल कर लिया, लेकिन आग तो बढ़ती जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी टीम या खुद को लेके, सपोज एक लकड़ी में आग लगी है और आसपास में फिर आग फैल रहा है, तो मैं आसपास के जो जलने वाले वस्तुएं हैं उनको बाहर करूंगा, मशीनरी जो बर्बाद हो सकती है, मतलब लॉस को प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम जो स्टेप्स ले सकता हूँ वो करूंगा। पोस्ट मैन कम्युनिकेशन विद हायर मैनेजमेंट। ओके, लाइन ऑफ फायर क्या है? सॉरी सर, लाइन ऑफ फायर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं।
नॉर्मल वर्क के लिए डिजाइन नहीं है, जैसे एक वेसल, एक इंस्पेक्शन पीट, एक पाइपलाइन जिसमें वेंटिलेशन का, इल्यूमिनेशन का, एक्सेस सिंगल एक्सेस सिंगल एंट्री और एग्जिट का प्रोविजन है, ऐसे स्पेस को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं, जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस का, फ्लेमेबल गैसेस के फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड है? कन्फाइंड स्पेस इससे हजार्ड है सर, उसमें लैक ऑफ एक्सेस का होता है, हेड इंजरीज का होता है, सबसे ज्यादा कन्फाइंड है तो सफोकेशन, फायर, लैक ऑफ वेंटिलेशन है ना, दम घुटने का चांसेस है, ये सब है चीजें सर, सुअर इल्यूमिनेशन है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम का, इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब आधार है सर। ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए कन्फाइनेशन? 19.5 to 23.5 क्यों? मतलब इससे ज्यादा होगा तो क्या? उससे ज्यादा होने से फायर हो सकता है सर, प्लस आदमी एक ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने से हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, जैसे नोज ब्लीडिंग वगैरह ये सब हो जाता है। अच्छा, ये LEL और UEL उनके बारे में? लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, अपर एक्सप्लोसिव लिमिट होता है सर, विद इन दिस रेंज जो कोई भी पार्टिकुलर एक जलने वाली वस्तु होती है जिसमें आग लग जाता है, अगर उससे ज्यादा भी हो गया तब भी आग नहीं लगेगी, और उससे लोअर है तब भी नहीं लगेगी, विद इन दैट रेंज दैट पर्टिकुलर गैस या फ्यूल कैन गेट फायर, वो लिमिट है। अच्छा, H2S के बारे में बताइए। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है सर, जो हैवियर देन एयर है, और ये आदमी को मतलब ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो स्मेल स्मेललेस है, इवन विजिबिलिटी कोई नहीं है, वो आदमी को सीरियसली कह सकते हो आप हार्म कर सकता है। अच्छा, उसका कुछ लिमिट रहेगा ना कि MPPM पे डेथ हो सकता है सब कुछ? जैसे मैंने आपको UEL LEL बताया था, वो एक रेंज होता है, जैसे 10 PPM, राइट, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ सर, क्योंकि मैंने अभी तो, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत दिन हो गए मुझे ऑयल एंड गैसेस को छोड़े हुए, या मैं प्रिपेयर करूंगा तो इवन ऑब्वियसली मैं उस इंटरव्यू को भी क्लियर कर सकता हूँ। रिसेंटली एक मैंने रिसेंटली क्या बिफोर प्लीज कोविड एक मैंने बहरीन के लिए इंटरव्यू दिया था, उस टाइम ये चीजें पूरे मेरे दिमाग में एकदम फिट थे, बट अभी कैसा है सर कंस्ट्रक्शन में, अभी हम BOCW पे ज्यादा फोकस करते हैं तो ये चीजें थोड़ी डाउन करती हैं, बट मैं जितना मैं बोल सकता हूँ बिलो ये प्रेजेंट इसका जो है परसेंटेज में करता है तो हम 0% तक वर्क करेंगे, और जैसे कोई फ्लेमेबल आइटम है समथिंग है, जब हम टनल में काम करते हैं तो उस टाइम में हम ये चीज इंश्योर करते थे। अच्छा, आपने कभी मॉक ड्रिल करवाया है? हाँ, रिसेंटली अभी हमने एक मॉड्यूल कराया था, इसमें तो प्रोजेक्ट एक्चुअली हमारे कैसा है कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन है कि हमने मंथली वाइज कराना ही है, तो अभी रिसेंटली हमने एक इलेक्ट्रिक्यूशन का करवाया था मॉक ड्रिल, जिसमें एक हमारा ताला ताला करके स्टेशन है जहाँ पे एक आदमी को इलेक्ट्रिक्यूशन का सिनेरियो क्रिएट किया था, ठीक है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है आपका? सॉरी, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है उसमें? सर यही सेफ्टी टीम है तो ये फर्स्ट एड टीम में रहता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम में, टीआरटी में। मैं उसमें एक आप ये कह सकते हो कि मैं एक ऑब्जर्वर था, एक ऑब्जर्वर मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरी टीम कितनी इफेक्टिव है, कितनी एक्टिव है, क्या रिस्पॉन्सिबल लोग दे सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ मी, वो मैंने उसमें ऑब्जर्व करा, इसलिए मैंने एज ए ऑब्जर्वर खाली बस साइलेंटली चीजों को मॉनिटर करा और मैंने अपने रिपोर्ट नोट करते गया कि रिस्पॉन्स टाइम कितने कितने आ रहे थे। हीरा और रिस्क में क्या डिफरेंस है बताएंगे? सॉरी, हीरा और रिस्क में क्या डिफरेंस है?
हीरा और रिस्क में जी। एक्चुअली सर हीरा जो है रिस्क के असेसमेंट का एक प्रोसेस है, ठीक है, और रिस्क जो है कि एक हजार से जो आउटकम आ सकता है वो रिस्क है। अच्छा, ये सेफ्टी प्रोग्राम भी आप साइट पे करवाते होंगे? हाँ, सेफ्टी प्रोग्राम मंथली मोटिवेशनल प्रोग्राम कराते हैं हम सर, ठीक है। रिसेंटली हमने बाहर की एजेंसी को भी बुला के नुक्कड़ नाटक टाइप के अरेंजमेंट भी कराए थे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के लिए। और क्यों करते हैं? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एनहांस द अवेयरनेस लेवल। ओके ओके, थैंक यू।